तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैं वो लगा दी, फेविकॉल लगाया मैंने बोर्ड पे। ये देखिए, ये ऐसा बनाया, बॉल बनाया, बॉल बना के उसको फिंगर से मैंने ऐसे किया है। थोड़ा क्ले बढ़ाते जाएंगे, पहले सबसे कम लिया मैंने, अभी थोड़ा सा ज्यादा लिया है। शेप वैसे ही बनाते जाएंगे, लेकिन बस क्ले में थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे। अगर हमको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बाहर आ रहा है तो हम ऐसे करते हैं। थोड़ा सा ब्रॉड लग रहा है तो उसको ठीक से शेप दे देंगे और पानी का हाथ जरूर लगाएंगे। फेविकॉल अगर सूख गया हो तो फिर से लगा लेंगे।
ना फिर कम पेस्ट है, रिफरेंस पिक में देखकर ही लगाएंगे, बढ़िया शेप भी प्रॉपर आएगा। फिर प्रोसेस वही है, बस बना करके हमको वैसे ही लगाते जाना है। पगड़ी दो टाइप से बना सकते हैं हम, पट्टी लगा करके उसको ऐसे इम्प्रेशन भी दे सकते हैं, लेकिन इसका लुक बहुत अच्छा आता है। प्रोसेस हुई है, बस हमारे जो भी ड्राइंग है उसके हिसाब से हमको काम करना है। अभी इसमें ये जो ये ऐसे करके एक पट्टी है वो करेंगे, तो पहले हम इस साइड की करेंगे और फिर ये ऊपर की आएगी। उसके लिए सिर्फ मैं थोड़ा सा क्ले लेके
बड़ी है तो नीडल से कट कर लेंगे हम। हल्का सा मैंने इसको प्रेस किया है, हल्का सा। अब ये ऐसे जाके कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। नोज के लिए हम इसके सेंटर में आएगा, हल्का सा पानी का हाथ लगा के इसको मर्ज कर देंगे। ये आईज के लिए, आईब्रो के लिए। आईज इसमें बने नहीं है, सिर्फ आईब्रो और नोज है, वैसे ही हम करेंगे। ये देखिए, ये नोज से एकदम मर्ज हो जाएगा। पानी का हाथ लगा के मर्ज कर लेंगे इसको, आईब्रो को। ओके, ऐसे मर्ज कर लेंगे।
इसको मर्ज कर देंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? पहले हम ये दुपट्टा डाल लेते हैं, दुपट्टा डाल लेते हैं और फिर हाथ आएगा। ठीक है, ये दुपट्टा यहां तक है, दिख रहा है ना? यहां से फिर इधर आया है और फिर इधर भी आया है। ऐसे स्ट्रिप बनाकर भी हम लगा सकते हैं या इकट्ठी पट्टी बनाकर भी हम लगा सकते हैं और उसमें भी इम्प्रेशन दे सकते हैं। इसकी ड्राइंग हमको, ये जो ढोलक है उसकी ड्राइंग, तबले हैं वो तबले की ड्राइंग फिर से थोड़ी सी करनी पड़ेगी। ये स्ट्रिप से लगाना और एक तरह से और लगाना बता रही हूं मैं। हम ये पट्टी रोल कर लेंगे पूरी। देखिए हमने रोल कर ली, इसको मैं हाथ पे प्रेस कर लूंगी या फ्लोर पे रख के प्रेस कर लूंगी। ये मैंने इसको प्रेस कर लिया और ये अगर एक एक लगानी है तो इतनी चौड़ी हमको लगानी है और अगर हम बड़ी लगाते हैं तो उसको ब्रॉड करके प्रेस कर लेना है और फिर हमको उसको लगाना है। ये पेंसिल को मैंने गीला करके इससे इम्प्रेशन दे दे रही।
ब्रश गीला करके मैं इसमें चला दे रही हूँ। इसी तरह हम यहाँ पे नीचे लगाएंगे। पेंसिल को गीला करके इसमें भी हम इम्प्रेशन दे देंगे। ये ब्रश गीला करके इसमें मैंने चला दिया। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे भी लगा दे रही हूँ। यहां से थोड़ा दबा होना चाहिए क्योंकि नीचे से आ रहा है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा का मैं निडल से कट कर दे रही हूं। ये पेंसिल को गीला करके इसमें इम्प्रेशन दे देंगे। ब्रश चला रही हूँ गीला करके, पानी में डिप करके ब्रश चलाना है। ये देखिए, ऐसे भी हम अगर बनाते हैं ना तो इसमें भी हम अच्छे से इम्प्रेशन देंगे तो अलग अलग हमारी स्ट्रिप ऐसा लगेगा अलग अलग ही हमने लगाई है। ये देखिए,
अब यहाँ का दुपट्टा बचा है, पहले वो कर ले रहे हैं। पहले कमर का डाल लेती हूँ, फिर ये डाल लेती हूँ। इसको मैं थोड़ा ऊपर एक पट्टी ऊपर डाल के इसको मर्ज कर दूंगी, ताकि ऐसा शो हो कि ये दुपट्टा इसके ऊपर से आ रहा है, जैसा कि रेफरेंस पिक में दिया है ना। ये हल्की सी ये पट्टी को मैं यहाँ पे थोड़ा वो कर देती हूँ, ताकि ये जॉइंट है वो जॉइंट पे ये दुपट्टा आ जाए। ठीक है, बस ये ऐसी लंबी करके हमको अलग अलग लगानी है। हल्का सा हाथ पे प्रेस कर लेंगे। और इसको यहाँ पे मर्ज कर देना है, ताकि ऐसा लगे कि ये पैर के अंदर से वो थोड़ा अंदर तक जा रहा है। ये क्रैक्स हम बाद में भरेंगे सब एक साथ। ये पैर का यहाँ वाला थोड़ा क्रैक में फील कर दे रही हूँ, और यहाँ पे हल्का सा मुझे दबा लग रहा है,
तो उसको मैं उठा भी दे रही हूँ। इसको मर्ज कर देना है हमको अच्छे से। थोड़ा यहाँ भी दबा हुआ लग रहा है। म्यूरल में क्या होता है, हमको बनाते बनाते बराबर समझ में आने लगता है कि कहाँ पे थोड़ा सा हमको उठाना है, कहाँ वॉल्यूम देना है। सब ये हम ये वाला दुपट्टा डालते हैं, ठीक है। ये मैंने प्रेस भी कर ली वहीं पे। ये पैर के ऊपर से आ रहा था तो ऐसा दिखाया, और यहाँ पे हमको प्रेस करते हुए लेना है क्योंकि ये इसको मैं थोड़ा सा कट कर रही हूँ। यहाँ से हमको उसको दबाना है। पेंसिल को गीला करके इधर का भी दुपट्टा बन गया है। अभी ये हाथ में सिर्फ डाल दे रही हूँ यहाँ पे, और फिर नेक्स्ट हम कल करेंगे, ठीक है। वैसे ये वाला दुपट्टा हमको ये हाथ बनने के बाद लगाना था, यहाँ का ऊपर का, ऊपर का हाथ पहले बनाना था और फिर दुपट्टा लगाना था। ये हमको शायद हटाना पड़ सकता है, या यहाँ पे थोड़ा सा हम क्ले फिर से ऐड कर देंगे। ये हाथ के लिए ले रही हूँ मैं।
हल्का, बहुत हल्के हाथ से हमको प्रेस करते हुए जाना है। बीच का भाग उठा रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दी, कम लग रहा है। जहां जहां मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा पतला हो गया है हाथ, मतलब ये हमको स्लीव्स असल में हम बना रहे हैं, हाथ नहीं है, स्लीव्स और हाथ दोनों एक साथ ही बना ले रहे हैं। ये दुपट्टा भी हमारे को थोड़ा दबा दबा सा लग रहा है, इसको थोड़ा हल्का सा हम उभार देंगे, हल्का सा इसके ऊपर क्लियर और ऐड करना पड़ेगा हमको। यहाँ थोड़ा एल्बो वाला भाग को मैंने यहाँ पे ऐड किया है, कॉर्नर जो एल्बो का कॉर्नर बनना चाहिए ना वो वाला शो करने के। ये हल्की सी स्लीव्स की रिंकल्स आएगी। और एक यहाँ का हाथ और लगा दे रही हूँ, तो कल हम लोग को एकदम से ड्राई मिलेगा तो हम आगे का वर्क कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा दुपट्टा हटा के ये लगा रही हूँ, फिर दुपट्टा हम इसके ऊपर लेंगे।
बिल्कुल हमारी ड्राइंग के हिसाब से होता है तो हमारी स्लीव्स में हल्की एक दो अगर हमको ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेक हो जाएगा तो इसके नीचे हम तो हल्का सा क्ले दे सकते हल्का सा यहाँ से तो एक अच्छा नेचुरल लुक आएगा। यहाँ भी थोड़ा क्ले मैं लगा दूंगी। ठीक है तो नेक्स्ट सेशन आगे का हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज का सेशन यही क्लोज करती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे पानी का हाथ लगा देती हूँ तो वो फिनिशिंग आ जाएगी इसमें। ठीक है तो आज का सेशन यही क्लोज करते हैं। जय श्री श्याम। सबको मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके थैंक यू बाय बाय। जय श्री श्याम।